तो अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा जी, आज है चांद रात। आप सबको मेरी तरफ से चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने मेहंदी वगैरह लगा ली है। ये सारा डिज़ाइन मैंने खुद ही किया है, तो मैं काफ़ी टाइम बाद मैंने मेहंदी लगाई। ये आप देख सकते हैं बैक साइड मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया है। आप सब लोग बताना कि मेरी मेहंदी कैसे लग रही है। तो ये देखें, ये फ्रंट साइड मैंने इस तरह से डिज़ाइन किया, ये मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है। तो आप सब बताना कि मेरी मेहंदी कैसे लग रही है। और ये मेरा लेफ़्ट हैंड है, मैंने लेफ़्ट हैंड को मैंने अपने लगा लिया है। अभी राइट हैंड को हस्बैंड लगाएंगे। तो वो इस तरह के स्टिकर्स मैं हर दफ़ा लेके आती हूँ, तो वो लेफ़्ट हैंड को वो हस्बैंड लगाते हैं, तो राइट हैंड को मैं खुद ही लगा लेती हूँ। सॉरी, लेफ्ट हैंड को मैं लगा लेती हूँ, राइट हैंड को हस्बैंड लगाते हैं। सारे स्टिकर्स उन्होंने खुद काट के अभी रेडी होके बैठे हुए हैं मुझे मेहंदी लगाने के लिए। तो चलें अभी इनके हाथ से मेहंदी लगाते हैं। रेडी हो चुके हैं, अभी ये लगाएंगे मुझे ये सारे स्टिकर्स, ये जो इन्होंने काट के रखा हुआ है। अभी यहाँ पे स्टिक करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर मेहंदी लगा देंगे। ये काफ़ी ईजी होता है इस तरह से लगाना, तो ये अभी लगाएंगे मुझे। ये वाला लगो पहले। أحزان قلبي لا تزل حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال فارحم وسامح يا كريم واغفر ذنوبا كالجبال فارحم وسامح يا كريم واغفر ذنوبا كالجبال نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي الجلال فارحم وسامح يا كريم واغفر ذنوبا كالجبال فارحم وسامح يا كريم واغفر ذنوبا كالجبال أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول سارے مہندی انہوں نے لگا دیئے ابھی دیکھتے ہیں کیسے ٹرن آؤٹ ہوتا ہے یہ صبح میں مجھے تو ڈاؤٹ لگ رہا ہے کیونکہ یہ کافی اسٹکر ہے نا بار بار نکل رہا ہے तो पता नहीं इसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो पिछली दफ़ा मैं वो कलर वाला लेके आई थी, तो उस टाइम पे काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आया था। इस दफ़ा मैंने मेहंदी से लगा दिया है, तो देखती हूँ कैसे डिज़ाइन टर्न आउट होगा। ये वैसे वो जो कलर वाले केमिकल्स होते हैं ना, तो उससे हम लोग करेंगे ये वाले डिज़ाइन, तो काफ़ी खूबसूरत निकलते हैं। तो अभी मेहंदी से पता नहीं, मेहंदी को काफ़ी टाइम लग जाएगा सूखने के लिए। तो देखते हैं, लेट्स सी कैसे टर्न आउट होता है। तो अभी पीछे भी थोड़ा स्टिकर लगाना बाकी है, तो पहले इसको सुखा लेती हूँ, उसके बाद पीछे भी लगा लेंगे। ये देखें, इस तरह से हमने इसको डिज़ाइन किया है। अच्छा जी, ये देखिए पीछे भी हस्बैंड ने लगा दिया इस तरह से स्टिकर्स। और ये देखिए आगे का थोड़ा सा मैस हो गया, क्योंकि ये मेहंदी से किया है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा मैस हो गया है इसका। देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैस हो गया, पीछे भी लगा दिया इन्होंने इस तरह से। अगर ये वो जो रेड वाली जो होती है ना, तो 5-10 सेकंड्स वाली, तो वो वाली लगाएंगे तो ये अच्छे से डिज़ाइन आएगा। मैंने इसका मेहंदी से कर लिया, तो ये देखिए आप थोड़ा सा मैस हो गया, तो कोई बात नहीं, डिज़ाइन तो आया है, थोड़ा सा चलता है। तो अभी इसको देखेंगे सुबह में कितना कलर आएगा क्या आएगा। तो अभी हम लोग ने खाना वगैरह अभी नहीं खाया, तो अभी बाहर जाएंगे ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए ईद की, तो उसके बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। अच्छा जी, कुछ ग्रॉसरी करना था तो हम लोग बाहर निकले हैं। आप चेक कर सकते हैं रोड पे कितना ज़्यादा ट्रैफिक है।
अभी सारे ही बाहर ही है, सारे शॉपिंग के लिए निकले हैं, तो हमें भी ग्रॉसरी करनी थी ईद की, तो इसीलिए हम लोग भी निकले हैं। तो देखें कितनी ट्रैफिक है, काफ़ी टाइम से हम लोग फंसे हुए हैं ट्रैफिक में। अभी हमने हमारा घर छोड़ के थोड़े दूर भी नहीं गए, इतना ट्रैफिक है, अभी आगे जाएंगे तो कितना होगा। ये देखें अजीज़िया में है तैबा के पास, सारा यहाँ पे ट्रैफिक कितना लगा हुआ है। और ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स में हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, ट्रैफिक काफ़ी जाम है। आप देख सकते हैं चांद रात का मंज़र कितना खूबसूरत है यहाँ पे अजीज़िया पे, लोग सारे चांद रात मना रहे हैं। अच्छा जी, आज हम लोग आए हुए हैं दानूब, क्योंकि ये घर के पास ही करीब में है, तो यहाँ से ही पॉसिबल होगा हमें कुछ लेना होगा तो, क्योंकि हर दूसरी जगह हम लोग जाएंगे तो काफ़ी रश है रोडों में, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्राउडेड है, तो इसीलिए हम लोग पास वाले दानूब को ही आ गए ग्रॉसरी करने के लिए। अभी अंदर चलते हैं और ग्रॉसरी करते हैं, अंदर भी काफ़ी रश होगा शायद। चलो यहाँ पे देखिए, मैं ग्रॉसरी वगैरह करके आ गई, खाना वगैरह भी हम लोग बाहर से लेके आए थे क्योंकि घर पे मैंने नहीं बनाया था, तो अभी मैं मीठे बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ, इसके लिए मैंने खोया लिया था, तकरीबन 250 ग्राम था खोया, उसमें मैंने थोड़ा सा मैदा ऐड किया है, और मैं इस तरह से ही बनाती हूँ जामुन, काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं और खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं, तो ये मैंने बना लिया है इस तरह से। मैं तो उतना स्वीट्स नहीं खाती, मुइज़ के पापा और मुइज़ ही खाएगा, तो इसीलिए मैं उन दोनों के लिए बना रही हूँ। चाशनी मैंने प्रिपेयर कर ली है, अभी इसके थोड़े टाइम के लिए रेस्ट दूंगी इसको, उसके बाद इसके बॉल्स बना के फ्राई कर लेंगे, तो ये तैयार हो जाएंगे, तो अभी नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पर अभी शीर खुरमे की तैयारी कर रही हूँ, इसके लिए मैंने थोड़ा सा घी गर्म कर लिया है, अभी इसमें मैं सेवैयाँ डालूंगी और इसको भून लूंगी थोड़ा सा, अभी इसको भूनते हैं थोड़ा सा, हल्की आंच में भून लूंगी। तो अच्छे से भून लिया है, तो अभी उसी पैन में मैंने 1 लीटर दूध डाला है, इसमें थोड़ा सा भी मैंने पानी ऐड नहीं किया, तो इसको मैं बॉईल करूंगी, उसके बाद इसमें शुगर डाल के इसको थोड़ा सा थिक कर लूंगी, उसके बाद मैं है ना सेवैयाँ डाल दूंगी, उसके बाद ड्राई फ्रूट्स वगैरह घी में रोस्ट करके डाल दूंगी, तो उसके बाद ये शीर खुरमा भी तैयार हो जाएगा। तो मेरा मेथड यही है शीर खुरमा बनाने का, काफ़ी टेस्टी बनता है इस तरह से, आप ट्राई करके देखना, काफ़ी टेस्टी होता है इस तरह से। तो पीछे जो ठक ठक की आवाज़ आ रही है, वो हस्बैंड मुझे ड्राई फ्रूट्स काट के दे रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है, अभी 3 o'clock हो रहे हैं ऑलमोस्ट रात में, तो हम लोग बाहर शॉपिंग के लिए भी चले गए थे ग्रॉसरी वगैरह करने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने पुडिंग के लिए रेडी कर रही हूँ, अगर अगर का जो पुडिंग का ये मिलता है ना, फालूदा भी बोलते हैं हम लोग, तो वही प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको पानी डाल के पकने के लिए रखा है, थोड़ा सा डिज़ोल्व हो जाएगा पानी में, तो उसके बाद इसमें दूध में पकाएंगे। अच्छा जी, ये देखिए बॉयल अच्छे से आ गया है, इसमें अच्छे से बॉयल हो चुका है, और साइड में आप देख रहे हैं इस तरह से मलाई भी जम रही है, अभी एक थिक भी हो चुका है, तो अभी इसमें थोड़ा सेवैयाँ डालेंगे जो हमने भून के रखे हुए हैं। ये देखें, अभी मैं सेवैयाँ डाल दूंगी इसमें, उसके बाद 5 मिनट्स के लिए पकाऊंगी, उसके बाद फ्लेम को बंद कर दूँ। अच्छा जी, पुडिंग बनाने के लिए ना मैंने यहाँ पे बॉईल कर लिया है दूध, उसमें शुगर भी डाल के अच्छे से बॉईल कर लिया है, अभी थोड़े से इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूंगी, क्योंकि जब ये खाते हैं ना तो बीच में ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं मुंह में, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो उसके बाद ना मैं थोड़ा सा एक पिंच ना ग्रीन कलर डाल रही हूँ, आप कौन सा भी कलर डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर ग्रीन यूज़ कर रही हूँ। ग्रीन कलर का ना पिस्ता ग्रीन कर रही हूँ, तो आप कौन सा भी येलो रेड कुछ भी बना सकते हैं, नहीं तो सादा सा भी बना लें, वो भी अच्छा लगता है। तो ये अभी अच्छे से पक चुका है, तो अभी इसमें डालते हैं। अच्छा जी, अभी इसमें ये डालेंगे जो हमने डिजॉल्व करके रख लिया है, अगर अभी इसको अच्छे से डाल के इसको अच्छे से पकाएंगे थोड़े टाइम के लिए,
उसके बाद इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखें, ये मैंने सेट होने के लिए रख दिया है। अभी ये भी इसको फ्रिज में रखूँगी। इस वाले ट्रे में मैंने डाल लिए सारा। अभी इसको फ्रिज में रख के मैं इसको सेट कर लूँगी। यहाँ पे देखें, शीर खुरमे के लिए मैंने घी गरम कर लिया है। अभी थोड़े से ड्राई फ्रूट्स काटे हैं तो मैं उसको अभी फ्राई कर लूँगी अच्छे से, थोड़ा सा लाइट ब्राउन कर लूँगी। डाल दूँगी सारे आगे उसमें से, घी में से निकाल के ना इसमें डाल दूँगी, क्योंकि मुझे मखाना भी फ्राई करके डालना है और किशमिश भी इसको फ्राई करना है, तो इसीलिए मैं ना इस तरह से कर लूँगी सारा ना ड्राई फ्रूट ड्राई। अभी देखें, उसी घी में मैं मखाने और किशमिश को डाल के थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं तो। अभी इसको है ना मैं थोड़ा सा भून लूँगी, उसको थोड़ा क्रंची आ जाएगा, क्रंच आने तक भून लूँगी। उसके बाद इसको भी मैं शीरकुरमे में डाल दूँगी। अभी ये देखें, मैंने गुलाब जामुन बना लिए, मीडियम साइज़ के मैंने बनाए। तो अभी यहाँ पे ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो अभी इसको एक एक करके डालते हैं। ऑयल हमारा हल्के से गर्म हुआ है तो अभी है ना इसको एक एक करके डालते हैं इस तरह से, और इसकी फ्लेम को लो ही रखेंगे, मीडियम लो।